आज का वीडियो सबकॉन्शियस माइंड के एक छोटे से हिस्से पर है, जहां हम सीखेंगे कि हम हर रात क्या कर सकते हैं ताकि हम अपनी जरूरतों के अनुसार अपने मन को रीप्रोग्राम कर सकें। क्या आप जानते हैं कि आप सफलता और खुशी के लिए अपने मन को फिर से प्रोग्राम और बदल सकते हैं? अपनी स्थितियों को बदलने के लिए आपको सोने से पहले 10-15 मिनट तक कुछ एक्सरसाइज करनी होगी। दैनिक सुबह की दिनचर्या की शक्ति को बहुत से लोग जानते हैं। कुछ शाम की दिनचर्या हैं जो बहुत शक्तिशाली हैं और आप हर रात सोने से पहले उन्हें लागू कर सकते हैं। मैं आपको 4 रणनीतियां बताने जा रही हूं, जो समय के साथ आपके अवचेतन मन को बदलकर आपको वो व्यक्ति बना सकती है जो आप बनना चाहते हैं। आपको उन 4 रणनीतियों के बारे में बताने से पहले यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह कैसे काम करता है। जब आप सोते हैं तब आपके दिमाग का एक हिस्सा बंद हो जाता है जो आपका सचेत मन होता है, लेकिन आपके दिमाग का एक हिस्सा हमेशा सक्रिय रहता है और वह है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपका अवचेतन मन सप्ताह में 24 घंटे 7 दिन और 365 दिनों तक बिना रुके काम करता है। इसीलिए अपने सबसे अवचेतन मन को जीतना बहुत जरूरी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे वीडियो पहले देख सकें और आप अपने जीवन में उत्कृष्ट हो सकते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने भी अपने प्रयोगों से दिखाया है कि आप हर दिन जो कुछ भी करते हो उसके लिए आपका सबसे अंदरूनी मन 95.999% जिम्मेदार होता है। आप दिन भर में जो कुछ भी चुनते हैं वह आपके कॉन्शियस माइंड से नहीं बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड से होता है। यह आपके चेतन मन से 100% अधिक शक्तिशाली है, जो एक हैबिट है। इसे बदलना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इन 4 रहस्यों को अपनाकर आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और अपने मन को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, चलो जानते हैं वो 4 चीजें जो तुम हर रात सोने से पहले करके अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से बदल सकते हो। नंबर 1, दिन की योजना बनाएं। बिस्तर पर जाने से पहले अपने कल के दिन की योजना बनाएं। आप अपने कल के कामों की लिस्ट बनाएं और उन्हें पूरा करने का प्लान बनाएं। आप कितने बजे उठेंगे? आपका कौन सा काम सबसे महत्वपूर्ण है? अच्छी रूटीन चाहते हो तो उसे एक रात पहले शुरू करो। कई लोग कहते हैं कि अगर आप अपना दिन जीतना चाहते हो तो आपको अपनी मॉर्निंग रूटीन जीतनी होगी, लेकिन सच्चाई यह है कि सुबह जीतने के लिए पहले आपको शाम को जीतना होगा। दिन की योजना बनाने में समय बिताएं, जो आपके लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने में मदद करेगा। 2 नंबर, अपने लक्ष्यों की जांच करें। जैसा कि मैंने पहले बताया, हमारे पास एक नीचे का मन होता है जो दोहराव से काम करता है। बस सोचिए कि जब आपने कार चलाना सीखा था तब आप उसे बार बार दोहराते थे, जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे तो आप इसे बार बार दोहराते थे। अब आपके सपनों और लक्ष्यों के लिए भी वही काम करता है। आप एक बार में लक्ष्य नहीं तय कर सकते, आपको इसे बार बार बढ़ाना पड़ेगा। चाहे आप उन्हें लिखें, एक विजन बोर्ड बनाएं या उन्हें विजुअलाइज करें। अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए महसूस करें और उच्चारण करें। याद रखें कि हर रात इसे दोहराते हैं तब आपका सबसे अंदरूनी मन सीख जाता है, और यह वह समय है जब आपका अवचेतन मन अधिक सक्रिय हो जाता है। यह वह समय है जब आपका अवचेतन मन आपके लक्ष्यों को हासिल करने और समस्याओं का समाधान निकालने में आपकी मदद करेगा। नंबर 3, ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करें। यह एक बहुत जरूरी एक्सरसाइज है, लेकिन आपको व्यायाम करने की जरूरत नहीं है। उच्च प्रदर्शन लेखक जैक कैनफील्ड बिस्तर पर जाने से पहले कृतज्ञता के महत्व के बारे में बात करते हैं। चाहे आप अपने दोस्त या परिवार के सदस्य को एक साधारण ईमेल भेज रहे हों, या आप एक साधारण संदेश टाइप कर रहे हों और धन्यवाद कह रहे हों, या आप हल्के से अपने स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद दे रहे हों, या आप उस व्यक्ति के लिए धन्यवाद दे रहे हों जिसके साथ आप हैं, इस अभ्यास से आप अपने दिमाग को अधिकता में प्रोग्राम करते हैं। अवसरों के बारे में सोचते हुए मन को रीप्रोग्राम करना होगा। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आपको आभारी होना चाहिए। आभार रोजाना करने की आदत है, खासकर रात को सोने से पहले। ऐसा करने से आप खुद को सफलता के लिए तैयार करेंगे। याद रखें कि आपको हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। आप हर चीज के लिए आभार व्यक्त कर सकते हैं। 4 नंबर,
अपने अंदर के मन से पूछिए। एक महान आविष्कारक थॉमस एडिसन ने कहा, अपने अवचेतन मन से अनुरोध किए बिना मत सो। वह इसलिए भी सिफारिश करते हैं क्योंकि आपका अवचेतन मन हमेशा जागृत रहता है। इसलिए बिस्तर पर जाने से पहले अपने नकारात्मक विचारों को दूर रखें। जैसे अपने बिलों के बारे में सोचना, आपको क्या भुगतान करना है, आपने अपना काम कैसे बर्बाद कर दिया है, आपका जीवन उस तरह से नहीं चल रहा है जैसा आप चाहते हैं। इन सब बातों के बजाय अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए क्या करना होगा? क्या यह पैसे से जुड़ा हुआ है? क्या यह बिजनेस शुरू करने से संबंधित है? क्या आप अपने पैशन प्रोजेक्ट के साथ जाना है? जो भी हो, बस इस बारे में सोचो और अपने अवचेतन मन से पूछें कि आप समस्याओं को कैसे हल कर सकते हैं। फिर से सोचिए कि पिछली बार जब आप सवाल के साथ सोए थे और रात में जब आप जग गए तब उत्तर आ गया था, या जब आप उठकर स्नान करने गए थे तब अचानक आपके मन में एक विचार आया था। ये आपके सबसे अंदर के मन की बात है जो 24/7 काम करता रहता है। इसलिए बिस्तर पर जाने से पहले अपने जीवन के सवाल पूछें। यह आपके स्वास्थ्य के बारे में हो सकता है, यह आपके व्यवसाय के बारे में हो सकता है, या आपके रिश्ते के बारे में हो सकता है। इसलिए सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से बार बार पूछिए। आपका अवचेतन मन चेतन मन की तुलना में 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। अगर पहली बार काम नहीं करता तो दोहराते रहें जब तक जवाब न मिल जाए। तुम्हें बिल्कुल जवाब मिलेगा। दोस्तों, अपने मन को फिर से बनाने के लिए आप इन 4 रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं और वे वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। यदि आप इन 4 रणनीतियों को नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम 1 या 2 से शुरू करें। लेकिन आप जानते हैं कि अगर आप इन 4 रणनीतियों को अपने जीवन में रोजाना अपनाते हैं तो आप अपने जीवन को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। आप जीवन बना सकते हैं। आप अपने बिजनेस में बड़े लक्ष्य और सपने पूरे कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, ये एकदम से नहीं होगा। तुम्हें रातों रात सफलता नहीं मिलती। इसके लिए आपको हर रात, हर दिन, हर हफ्ते, हर साल मेहनत करनी होगी, फिर ये पूरा हो जाता है। अब इन 4 तरीकों को अपनाना शुरू करो और मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारी जीवन वैसी ही नहीं रह जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और आप अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ इस तुल्फा चैनल में।